नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, करंट इवेंट्स को जानना चाहते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या हो रहा है इसको जानना चाहते हैं और लाइव इवेंट्स देखना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHAN, रोशन भव BHAV। और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, लाइव टेलीकास्ट और बहुत कुछ। तो ये सब जानने के लिए, अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भाव। और इसके बाद आप देखाते हैं कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में क्या कुछ खास रहा, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या रहा राजनीति में और क्या रहा क्राइम के क्षेत्र में, सब कुछ देखिएगा सिटी हलचल फटाफट में। बैंक सुधार विधेयक 2021 के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया गया है। चंडीगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में सैकड़ों बैंक कर्मचारी इकट्ठे हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक संजय शर्मा ने बताया कि सरकार जो विधेयक लाना चाहती है उससे देश के सार्वजनिक बैंक खत्म हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से टूट जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ेगा क्योंकि सार्वजनिक बैंक जिस तरह आम लोगों को सेवाएं देते हैं और उन्हें सस्ती सुविधाएं प्रदान करते हैं, अगर उन्हें प्राइवेट कर दिया गया तो आम आदमी के लिए यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। वहीं बैंकों की 2 दिन की हड़ताल के कारण जो लोग बैंक आए हुए थे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि बैंकों की हड़ताल चल रही है। जब कई लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि यदि उन्हें पता होता तो वह बैंक ना आते। कई लोगों को तो बहुत ज़रूरी काम से पैसा निकालना था, किसी के घर में शादी थी तो किसी को इमरजेंसी में कैश चाहिए था, उन्हें पैसे नहीं मिले, निराश लौटना पड़ा। आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंकों की हड़ताल यानी कि शुक्रवार को भी जारी रहेगी, उसके बाद शनिवार आएगा और फिर रविवार आएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई है वहां आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सही तरह से पहले से जानकारी ना होने के कारण लोग इधर उधर भटकते हुए नजर आए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, और यही टॉपिक उनमें छिड़ा रहा। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा पंचकुला में हरियाणा के कई जिलों में महिला और उनसे जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई की गई। हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्षा प्रीति भारद्वाज दलाल द्वारा महिलाओं से जुड़े हुए मामलों को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों, पुलिस और वकील की मौजूदगी में मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विदेश की तरह यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कानून भी बनना चाहिए। हरियाणा राज्य महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्षा प्रीति भारद्वाज दलाल ने बताया कि 8 जिलों की महिला आयोग में आई शिकायतों को लेकर सुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न, पुलिस के खिलाफ और अन्य मामले जो महिलाओं से जुड़े हैं उनको लेकर सुनवाई हुई है। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना के मामले भी सामने आए हैं, साथ ही इन मामलों को सुलझाया भी गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में 50 से ज़्यादा मामलों का निपटारा हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया है। जी, हमने आई थिंक 7 से 8 जिलों के मामलों में जो हमारे पास आयोग में कंप्लेंट आई हैं तो उनको सुना गया है और अभी भी सुना जा रहा है, और कल और आज से आज हमारे इसका समापन होगा। तो अलग अलग मुद्दों पर कंप्लेंट्स आई हैं, दहेज, दहेज हत्या, पुलिस, पुलिस के अगेंस्ट, इवन पुलिस, महिला पुलिस जो हैं उनके घर में क्या समस्याएं हैं, बहुत से संगीन से मामले आज आयोग ने और कल हम लोगों ने सुने हैं। इसमें पॉस्को के भी मामले हैं, नाबालिग लड़कियों के भी मामले हैं, इरेकंसाइबल डिफरेंसेस जो शादी में रहते हैं उसके मामले आए हैं, घरेलू हिंसा के, गृह कलेश के, दहेज प्रताड़ना, हर तरीके के मामले आयोग ने सुने हैं। कुछ मामलों में जिनों में हमने और ज़्यादा केसेस की हेयरिंग लगाई थी, कुछ की हमारे पास सेक्शन टिकट रिपोर्ट आ गई है जो कि जिसमें संतुष्टि पाई गई है, उनको हमने मैटर्स को फाइल कर दिया है। यदि ये टोटल आप लगा के चलेंगे तो 50 से ज़्यादा मामले हमने, उनका निस्तारण हमने पिछले 2 दिन में किया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पंचकुला के भानु प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इंटर फ्रंटियर शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के युवा एवं खेल मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे।
प्रतियोगिता के समापन अवसर पर ईश्वर सिंह दुहन महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भी उपस्थित रहे। युवा एवं खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि नौजवान चाहे फौज में हो या किसी अन्य क्षेत्र में, वह सदा देश की रक्षा ही करता है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए 35वीं इंटर फ्रंटियर शूटिंग प्रतियोगिता में जिस तरह का जोश आईटीबीपी के जवानों ने दर्शाया है, उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और देश के लिए जो भी कार्य करें उसके लिए समर्पित होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने सेक्टर 16 में जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टेक्नीशियन की सैलरी के बराबर सैलरी देने के फैसले की सख्त शब्दों में निंदा की है तथा मांग की है कि इलेक्ट्रिशियंस के वेतन कटौती का फैसला वापस लिया जाए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिशियन की सैलरी 5,000 रुपये की कटौती करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। डीसी ने भरोसा दिलाया कि मांगों को जल्द माना जाएगा। मीटिंग को संबोधित करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के महासचिव राकेश कुमार ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी ने वर्करों की सैलरी कटौती का फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। पंचकूला के सेक्टर 5 में इनोलो इंडियन नेशनल लोकदल यूथ इकाई के राष्ट्रीय प्रभारी करण सिंह चौटाला और छात्र इकाई आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन सिंह चौटाला की अध्यक्षता में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में डेंटल सर्जन भर्ती फर्जीवाड़े मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में इनोलो यूथ इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर इनोलो यूथ इकाई के राष्ट्रीय प्रभारी करण सिंह चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर नौकरियों में फर्जीवाड़े मामले को लेकर निशाना साधा। इस अवसर पर इनोलो यूथ इकाई और छात्र इकाई आईएसओ के कार्यकर्ताओं और एचपीएससी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को भी प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ दिया, जिसके चलते प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे करण चौटाला और अर्जुन चौटाला सहित इनोलो इकाइयों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लेना पड़ा। यूथ इकाई के राष्ट्रीय प्रभारी ने हरियाणा सरकार के दौरान एचपीएससी फर्जीवाड़े मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 7 सालों में बहुत सी नौकरियों के पेपर लीक हुए हैं और नौकरियों के पेपर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे पकड़े गए लेकिन वह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में नहीं, उसके घर में से पकड़े गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और सरकार इस मामले को दबाना या छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। शहर में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। चंडीगढ़ के प्रभारी और दिल्ली से विधायक जरनैल सिंह, दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने गुरुवार को पार्टी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोषणा पत्र को जारी किया। इस मौके पर आम चंडीगढ़ के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा, अध्यक्ष प्रेम गर्ग, चुनाव परिचय समिति के अध्यक्ष चंद्रमुखी शर्मा और महासचिव विजयपाल सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रभारी जरनैल सिंह ने 18 ग्रेंटियां की घोषणा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अगले 5 सालों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, साथ ही सभी प्रकार के अतिरिक्त टैक्स की दरों में भी कमी की जाएगी। दिल्ली मॉडल का हवाला देते हुए प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में भी लोगों को डोर स्टेप सेवाएं दी जाएंगी ताकि लोग, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े। लोगों के घरों पर ही सेवाएं प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। शहर के सभी वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे जिनमें 24 घंटे ओपीडी की सुविधा होगी। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को हर महीने 20,000 लीटर निःशुल्क स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जाएगा। शहर में सोसाइटियों की बदहाल हालत के लिए भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हुए आप नेता ने कहा कि सत्ता में आने के बाद शहर की सभी सोसाइटियों में सरकारी फंड से विकास कार्य किए जाएंगे। शहर की पार्किंग की समस्या को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बाजारों में निशुल्क पार्किंग उपलब्ध करवाई जाएगी, नई पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, रेजिडेंशियल एरिया में कम्युनिटी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। विकसित एवं स्मार्ट गांवों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि निगम के तहत आने वाले सभी गांवों को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जाएगा। जयनाथ सिंह ने आगे कहा कि शहर में स्लम मुक्त बनाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।
जाली दस्तावेजों के आधार पर एक प्लॉट की खरीद फरोख्त के मामले में नामजद आरोपी पूर्व सहकारी बैंक मैनेजर सरबजीत सिंह को थाना सोहाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह इन दोनों मुअत्तल चल रहा था, उस पर विजिलेंस ने भी भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके यहां से उसे 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। सोहाना पुलिस के जांच अधिकारी सतनाम सिंह ने बताया कि बलबीर सिंह नाम के व्यक्ति ने एसएसपी को शिकायत दी थी कि आरोपी सरबजीत सिंह ने सेक्टर 90 में 150 गज के प्लॉट की खरीद फरोख्त को लेकर जाली दस्तावेजों के आधार पर उसे 40 और 47 लाख रुपए का सौदा किया। इसके लिए सरबजीत सिंह ने उसे 20 लाख रुपए बतौर बयाना ले लिया, साथ ही प्लॉट का एलओआई भी उसे दे दिया। उसने प्लॉट की रजिस्ट्री उसके नाम करवाने की बात कही तो सरबजीत सिंह ने उससे रजिस्ट्री करवाने के लिए टाल मटोल करना आरंभ कर दिया। ऐसा करने पर उसे सरबजीत पर संदेह हुआ तो प्लॉट की एलओआई की जांच करवाई गई। इससे पता चला कि प्लॉट के दस्तावेज जाली बनवाए गए थे। इसके बाद उस पर विजिलेंस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि एक और ऐसा ही मामला उस पर बटाला विजिलेंस की ओर से भी दर्ज किया गया है। 150 गज की एल ओ आई ली है तो बाद एल ओ आई फेक निकली तो 20 लाख रुपये भी लै लिया। पहला भी तो इन्हों के केस की नाम पहला इन्हों के 2 केस विजिलेंस की नाम इन्हों का इन्हों का नाम सरबजीत सिंह कितों रहने वाले ये टांडे के रहने वाले वैसे कंप्लेटेड कौन है इतना कंप्लेटेड बलबीर सिंह है ਇੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਹਲੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਐਲ ਓ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਆ। चंडीगढ़ को पहला स्लम फ्री सिटी बनाने की बात कही गई है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी को आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही चंडीगढ़ को झोपड़ पट्टी मुक्त किया जाएगा। ये सभी बातें संकल्प पत्र में बताई गई हैं, कहा गया है। संकल्प पत्र का विमोचन केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन, भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एवं पूर्व सांसद सत्यपाल जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के हित में कई योजनाओं को लागू किया गया है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पहल के आधार पर पक्का किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 करने तथा 70% से अधिक दिव्यांग की पेंशन 2,500 रुपये करने की बात भी कही गई है। चंडीगढ़ वासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने का ऐलान करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर गाँव में लाल डोरा सीमा को खत्म करते हुए सभी निर्माणों को नियमित करने की बात भी संकल्प पत्र में चंडीगढ़ भाजपा ने कही है। शहर के सभी कमर्शियल औद्योगिक एवं हाउसिंग सोसाइटी को रियायती दरों पर लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की नीति भी लाई जाएगी। भाजपा ने चंडीगढ़ वासियों के द्वारा बताई गई समस्याओं के आधार पर ही यह संकल्प पत्र तैयार किया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि इस बार का संकल्प पत्र भाजपा ने नहीं बल्कि चंडीगढ़ वासियों ने तैयार किया है। चुनाव से पहले भाजपा ने मेरा चंडीगढ़ मेरा सुझाव के नाम से एक अभियान चलाकर शहरवासियों से सुझाव मांगे थे। इसके लिए 27 नवंबर से 13 दिसंबर तक शहर में 200 स्थानों पर सुझाव पेटियां भी रखी गई थी, जिनमें लगभग 80,000 के करीब सुझाव मिले हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से जहां बीजेपी की खिलाफ चार्जशीट जारी की गई थी, वहीं भाजपा की ओर से चार्जशीट के जवाब में वर्कशीट जारी की गई। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला का कहना है कि उनकी चार्जशीट जायज़ थी, जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे वह भी जायज़ हैं। भाजपा के राज में लगातार टैक्स पर टैक्स जनता पर थोपे गए हैं और टैक्सों से ऊपर ही रेवेन्यू बढ़ाया गया है, लेकिन जनता पर जानबूझकर टैक्स पर टैक्स लगाए गए, जिन्हें रेवेन्यू तो बड़ा हुआ लेकिन उसके बावजूद नगर निगम की एफडी तोड़ी गई क्योंकि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए निगम के पास रेवेन्यू नहीं था। इससे पहले कभी भी ऐसे फंड की कमी नगर निगम के पास नहीं आई। यह भाजपा के 6 साल के शासन में पहली बार हुआ।
जिसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। आगामी नगर निगम चुनावों के लिए वार्ड नंबर 7 से भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए प्रसिद्ध भोजपुरी गायक एवं भाजपा नेता मनोज तिवारी विकास नगर मंडी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और मनोज कुमार सोनकर के समर्थन में प्रचार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि चंडीगढ़ में उन्हें बहुत अच्छा लगा। मनोज कुमार सोनकर और विमला दुबे को उनकी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में फिर से कमल खिलेगा और मोदी सरकार आएगी। भाजपा ने यहां अपने 90% वायदे पूरे किए हैं। मनोज तिवारी ने जनता की फरमाइश पर कुछ गीत भी गुनगुनाए। मनोज कुमार सोनकर ने चंडीगढ़ आने और हौसला अफजाई के लिए मनोज तिवारी का धन्यवाद किया। पंजाब में किसानों को सरकारी दफ्तरों में किसानों को मुआवजा के लिए उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसे कई आरोप वीरवार को भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के पदाधिकारियों ने लगाए हैं। किसानों ने SDM दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए किसानों ने SDM के दफ्तर का घेरा भी किया और नारेबाजी भी की। SDM से माफी मांगने की बात भी कही। किसानों के बढ़ते रोष को देखते हुए SDM हरबंस सिंह दफ्तर से बाहर आए और किसानों से बात की। उन्होंने किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। वहीं किसान अपनी जीत पर अड़े हुए दिखाई दिए। किसानों का कहना था कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवार मुआवजे को लेकर सरकारी कार्यालयों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई करने की जगह किसानों को बेइज्जत कर रहा है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि किसानी आंदोलन के दौरान अजीजपुर टोल प्लाजा पर चल रहे संघर्ष में जसवंत सिंह बीमार हो गया, बाद में अस्पताल में मौत हो गई। अब पारिवारिक सदस्य मृतक किसान के मुआवजे की मांग को लेकर SDM से मुलाकात करने आए थे, जहां उनसे मुलाकात नहीं की गई। संयुक्त किसान मोर्चे पर गलत कमेंट किए गए। उधर संपर्क करने पर SDM हरबंस सिंह ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं निराधार हैं। मृतक किसान के मुआवजे के लेकर पारिवारिक सदस्य मिले थे, उन्हें समझाया गया जाँच के बाद ही मुआवजा मिल सकेगा, लेकिन उन्होंने किसी भी संगठन पर कोई गलत कमेंट नहीं किया। अब समझने की बात यह है कि जांच के बाद ही जो काम हो सकता है उसे जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अभी भी बात यही सोची जा रही है कि जोर जबरदस्ती के साथ आप सरकारी काम करवा सकते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम बदला हुआ है। सुबह और शाम की ठंड में भी तब्दीली आ गई है। सुबह और शाम जोरदार ठंड हो रही है। इसको लेकर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और लगातार तापमान में गिरावट भी देखी जाएगी, यानी कि आने वाली 18 और 19 तारीख तक ठंड में बढ़ोतरी जारी रह सकती है। हाँ, पिछले 2-3 दिन तो लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से अभी जो पिछले 24 घंटे हैं उसमें जो फॉग है वो भी काफ़ी पड़नी शुरू हुई है। खास करके जो पंजाब का एरिया था इसमें लगभग सभी जगह पे जो फॉग थी, अभी जो कुछ करंटली जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें क्लियर हुए हैं, लेकिन अभी भी सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट जो है पंजाब के उसमें सभी जगह डेंस फॉग है। कुछ एक जगह पे जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी पुअर रही, 0 डिग्री तक जो है वो अपने विजिबिलिटी रही। और जो टेम्परेचर है वो जैसे चंडीगढ़ का टेम्परेचर है आज 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और कुछ एक जगह जो तापमान थे पंजाब और हरियाणा के वो नॉर्मल से काफ़ी कम रहे थी। वहाँ पे जो कोल्ड वेव कंडीशंस भी रही कुछ एक दो स्थानों पे। आने वाले जो दिन है इसमें भी जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट हो सकती है, 2 से 4 डिग्री। अगले जो 3-4 दिन है इसमें 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट रहेगी। तो आने वाले जो दिन होंगे इसमें जो कोल्ड वेव्स हैं, जैसे अभी भी चल रहे हैं कोल्ड वेव आइसोलेटेड प्लेसेस पे, लेकिन 18-19 तारीख को जो सीवियर कोल्ड वेव भी हो सकते हैं। मतलब जो जो कोल्ड वेव कंडीशन हम तभी जो डिक्लेयर करते हैं जब तापमान जो मिनिमम टेम्परेचर है जो न्यूनतम तापमान है जब सामान्य से 3 डिग्री कम रहते हैं। तो अभी जो कुछ एक जगह ही है जहाँ पे तापमान 3 डिग्री से कम, मतलब सामान्य से 3 डिग्री कम चल रहे हैं, लेकिन जो आने वाले होंगे दिन खास करके जो 18 और 19 तारीख को जो तापमान है सामान्य से 5 डिग्री तक कम रह सकते हैं, जिस वजह से जो है वो हम लोगों ने वार्निंग इशू की है कि जो 18 और 19 तारीख को जो सीवियर कोल्ड वेव हो सकती है। उसके बाद जो एक WDV आएगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी 23-24 तारीख को, तो तब तापमान जो है वो थोड़े से डिक्लाइन होंगे, ज़्यादा राइज नहीं करेंगे। तो लेकिन अभी भी जो आने वाले दिन होंगे इसमें फॉग जो है वो थोड़ी और डेंस हो सकती है, खास करके जो पंजाब का एरिया है और जो हरियाणा के कुछ एक पार्ट्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो जो
आपने पंजाब में ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहेगी फॉग की। जो चंडीगढ़ है इसमें भी जो शाम को जो विजिबिलिटी कम रहती है क्योंकि जो फॉग है वो फॉर्म होना शुरू हो गई है, लेकिन जो दिन के जब दिन चढ़ता है तो इसमें जो फॉग है वो डिसिपेट हो जाती है। तो लेकिन आने वाले जो दिन है इसमें भी जो चंडीगढ़ सिटी है इसमें भी जो फॉग है वो बढ़ सकती है। बारिश के तो अभी जो आने वाले 3-4 दिन है इसमें वेदर नहीं होगा, ड्राई रहेगा, लेकिन उसके बाद जो 1WD आने की प्रॉबिलिटी है जिसमें जो पंजाब के कुछ इलाके हैं या हरियाणा के कुछ इलाके होंगे उसमें बारिश हो सकती है। आज भी जो थोड़ी सी प्रॉबिलिटी रहेगी पंजाब और हरियाणा के इलाकों में जहाँ पे कुछ डीजल वगैरह जो है वो हो सकता है। चंडीगढ़ कैसा रहेगा देखा जाए? चंडीगढ़ में जो मौसम है वो ड्राई रहेगा, लेकिन जो रातें हैं जो नाइट्स हैं वो काफ़ी मतलब वो ठंडी रहेंगी। जो दिन के तापमान है वो आपने 18 से लेकर 20 डिग्री तक जो है वो आने वाले दिनों में रहेंगे। इसी के साथ नया साल का आगाज़ भी होने वाला है और नए साल को मनाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी नए साल पर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो ज़रा संभल कर इस बार 24 और 25 दिसंबर को काफ़ी बर्फीली हवाएं चल सकती हैं और बर्फबारी होने की संभावना भी है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी जिससे मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ेगी, बर्फानी हवाएं चलेगी। इसलिए जो भी लोग इन पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं वह मौसम अलर्ट जरूर रहें। वैसे तो जो एंजॉय होता है वो अपनी जगह पे भी मतलब ज़्यादा एंजॉय कर पाता है क्योंकि आजकल सर्दियों का सीजन चल रहा है, लेकिन जैसे कि जो प्लेन के लोग होते हैं जो आपने वो पहाड़ों की तरफ जो है वो काफ़ी रुख करते हैं, ख़ास करके जो जब उनको लगता है कि स्नोफॉल भी हो सकती है अपने हिमाचल प्रदेश में या बाकी जो पहाड़ी इलाकों में। तो अभी इस बार WD भी आ रही है जिसमें काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में जो वहाँ से जैसे दिल्ली से या हिमाचल प्रदेश शिमला से भी जो अब हमारे सेंटर ने फोकस इशू की है तो उसमें लग रहा है कि जो 24 और 25 तारीख को जो मौसम है वहाँ पे ख़राब हो सकता है जिसमें स्नोफॉल होने के चांसेस रहेंगे जो पहाड़ी इलाकों में ऊपर के इलाकों में शिमला में भी जो प्रोबेबिलिटी है जो स्नोफॉल की हो सकती है। तो अगर जैसे वहाँ ट्रैवल करते हैं तो एक तो जो वहाँ का जो प्रशासन होता है उसके भी टच में रहें क्योंकि कई बार वहाँ पर रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं या ट्रैप हो जाते हैं, और अगर और जाते वक्त जो पूरे एहतियात बरतें जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि टूरिस्टों को जो है वो क्या करना चाहिए आना है तो वो सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ही जाए ताकि मतलब उनको कोई असुविधा ना हो। कभी कभी जैसे बच्चे भी साथ रहते हैं तो उनके लिए वार्म क्लोथ्स वगैरह जो है वो अपने प्रॉपर रखें। तो सिटी हलचल फटाफट में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल फटाफट। नमस्कार।